गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्टली हमने पढ़ा कि ऑर्डर एंड डिग्री, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसके बाद मैंने बताया ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना, फिर उसके बाद बताया कि जो सेकेंड एक्सरसाइज थी, कोई भी जनरल इक्वेशन गिवन है और या कोई फंक्शन गिवन है और उससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, वो प्रूव करके दिखाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि जनरल इक्वेशन गिवन और उससे क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये मैंने थर्ड एक्सरसाइज में आपको बताया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दो दिन से स्टार्ट हमारी, आज थर्ड डे है उसका, तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल टाइप थी, उसमें क्या करना था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वहां से मैं क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आज उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9 ऑन कोर्स, एक्सरसाइज 9 ऑन कोर्स, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज 6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 30 सेकेंड्स। क्लियर करते स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, तो वो कह रहा है इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या दिया है, कांस्टेंट। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हम 6 चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ चेंज मीन्स उसका डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज हमेशा किसके रेस्पेक्ट होता है, टाइम के, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात फर्स्ट जो लाइन है क्वेश्चन की उसमें गिवन है। ओके, और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल बलून है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4.3 πr³, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है, तो स्फीयर की जगह वॉल्यूम की जगह इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो d/dt × 4/3 πr³ = k। अब हमारा काम क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्मूला, पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक ही साइड डेरिवेटिव, उस साइड डेरिवेटिव नहीं है, d/dt नहीं है, तो इसका मतलब इस साइड डेरिवेटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे इसका, इस फंक्शन का, तो क्या हो गया 4/3 तो कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आ गया हमें, तो 4/3 × 3 πr² dr/dt, r का अगेन होगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, इज इक्वल टू k, तो 3 से 3 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम यहां पे, वेरिएबल सेपरेट 4πr² dr/dt इज इक्वल टू k, ये अब यहां से क्या किया हमने, r² dr = k/4π dt, इक्वेशन 1 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
थी जिसने कहा कि स्फेरिकल बैलून का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये बात क्लियर हो गई। इससे आगे चलते हैं, अब कंडीशंस दिए उसने, वो कह रहा है इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली बोले तो जहां से स्टार्टिंग होती है, मींस टाइम कब स्टार्ट करते हैं तो टाइम क्या होता है 0। तो फर्स्ट कंडीशन उसने कहा इफ टाइम 0 है तो रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। फिर वापस रिपीट करता हूँ, उसने कहा इफ इनिशियली, इनिशियली मतलब टाइम 0, इफ इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स, टाइम 0 है तो रेडियस क्या 3 यूनिट्स। यहाँ इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, ओ एक मिनट सॉरी अभी कुछ इसमें थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट तो कर दिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। फिर कंडीशन बताएंगे आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू पी ए बाई 4 बाई डी टी। ओके तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, आर क्यू बाई 3 इज इक्वल टू के बाई 4 पाई टी के रेस्पेक्ट टू करें, ये कांस्टेंट है टी प्लस सी। अब ये इक्वेशन बन यहां पर क्लियर। अब कंडीशन पुट करते हैं, फर्स्ट इफ इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे और आर की 3 27 बाई 3
27 बाई 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया कंप्लीट जीरो, जीरो के साथ जीरो हो गया, तो जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है 9, यहाँ से सी की वैल्यू आगे बढ़े। अब सी की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा इफ टाइम 3 सेकेंड है तो रेडियस कितने हो जाते हैं 6 यूनिट्स। सेकेंड कंडीशन क्या है इफ टाइम इज इक्वल टू 3 तो रेडियस कितनी है 6 यूनिट्स। करते हैं फिर इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से क्या है इक्वेशन नंबर 1 में आर क्यू बाई 3, तो आर की वैल्यू क्या 6 रेज टू पावर 3 216 बाई 3 इज इक्वल टू के बाई 4 पाई, और टी की वैल्यू क्या है 3 प्लस सी की वैल्यू क्या है 9 जो हम फाइंड करके आए। ओके यहां से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 72 माइनस 9 क्या आ गया 63 इज इक्वल टू 3 के बाई 4 पाई। यहां से के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, के की वैल्यू होगी 63 इंटू 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो यहां से तो k की वैल्यू क्या है 84 पाई। अब c और k दोनों की वैल्यू को कहां पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट इन वन वैल्यूज ऑफ c एंड k इन वन। ओके तो r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या 84 पाई अपॉन 4 पाई प्लस, और सी की वैल्यू क्या हमारे पास 9। क्लियर, तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू क्या आई, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 63 प्लस 27, और यहां से आर की वैल्यू क्या है 63 प्लस 27 रेज टू पावर 1/3, ये आ गई हमारी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बस इसमें क्या था स्टार्टिंग में एक चीज गिवन है कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, उसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेट करके और इंटीग्रेशन करके आवासीय कनिष्ठ बना दिया। फिर उसने दो कंडीशंस दी है इफ टी इज इक्वल टू 3 तो रेडियस क्या है 3 यूनिट, तो हमने एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल दी सी की। फिर उसने बोला कि इफ रेट टाइम 3 है तो रेडियस कितनी हो जाती है 6 यूनिट, तो सेकंड हमने सेकंड कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड कर दी, सी और के दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर दी जो हमें फाइंड करनी थी। उसने कहा था फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 3 सेकंड्स, ये हमने फाइंड कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 20, 21, 22 सेम एज, तो मैं यहां से क्वेश्चन करा देता हूं, 21 आपको करा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है सुनिए, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ओके करते हैं स्टार्ट, क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा, मीन से हम फाइंड करेंगे कि 1000 का डिपॉजिट करने के बाद हमें लास्ट में 10 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा जो उसने रेट दिया है उस रेट के अकॉर्डिंग। तो उसने कहा कि प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, मीन्स प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज कितना 5% पर ईयर, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज 5% ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि 5% किसका है, प्रिंसिपल का 5% है। क्लियर, फिर वापस में उसने कहा प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज 5% है, किसका 5%, प्रिंसिपल का 5%। क्लियर, अब फिर वही बात, यहां पे क्या करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल डीपी अपॉन में टी इज इक्वल टू 5% को कैंसिल करते हैं तो क्या आ गया 1/23। ओके टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स dp by t is equal to 1/20 dt,
अब 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ मोड पी इज इक्वल टू 1.20 पी प्लस सी इक्वेशन नंबर 1 तक हमने कर लिया, क्योंकि 1/20 कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इनिशियली स्टार्टिंग में जब अमाउंट डिपॉजिट होता है, मीन से अगर टाइम जीरो है, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट है उसने डिपॉजिट करवाया 1000, तो इफ फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अब टी जीरो है तो प्रिंसिपल कितना है 1000, करते हैं इसको सिंपलीफाई, तो टाइम जीरो है तो यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल लॉग 1000 इज इक्वल टू 1.20 इनटू 0 प्लस सी, ये तो कंप्लीट जीरो हो गया तो यहां से सी की वैल्यू आ गई लॉग 1000। क्लियर, नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन। इफ टाइम 10 इयर्स है, इफ टाइम 10 इयर्स देन प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्या होगा प्रिंसिपल फाइंड करना, तो टाइम 10 पुट करते हैं इक्वेशन वन में, लॉग पी इज इक्वल टू 1/20 टी की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी लॉग 1000। क्लियर, लॉग एम माइनस लेंगे लॉग एम, लॉग पी माइनस लॉग 1000 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, अब लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम बाई एम पी बाई 1000 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, अब लॉग को एलिमिनेट करेंगे तो हम किसे करते हैं एक्सपोनेंशियल से, तो p by 1000 is equal to e raised to power 1/2, और 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, क्यों हमारे पास से जो वैल्यू गिवन है e raised to power 0.5, तो p by 1000 is equal to e raised to power 0.5, इसकी वैल्यू गिवन है p by 1000 is equal to 1.648, अब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पी की वैल्यू क्या होगी, पी इज इक्वल टू 1.648 × 1000, तो पी की वैल्यू क्या होगी 1.648 रुपीस, तो रुपीस लिख देते हैं यहां पर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट फिर वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में गिवन था कि प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज 5% पर ईयर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर, हमने क्या किया फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हमने इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने के बाद एक इक्वेशन बना दी, फिर उसने कंडीशंस दी हैं, अगर इनिशियली है स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट करवाता है वो 1000 रुपीज डिपॉजिट कराता है, तो कब कराता है जब इनिशियली मीन्स टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम जीरो है तो प्रिंसिपल कितना होगा 1000, उसके बाद वहां से हमारी सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। सेकेंड कंडीशन फिर दी है उसने, सेकेंड में क्या रहा है कि आफ्टर 10 इयर्स 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना होगा, तो टाइम 10 इयर्स है तो प्रिंसिपल हमें क्या करना है फाइंड, तो हमने फिर सी की वैल्यू पुट करके और हमने क्या फाइंड कर दिया प्रिंसिपल फाइंड कर दिया जो आया 1648 रुपीज। क्लियर, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन और कर लेते हैं 23। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि dy by dx plus e is equal to e is to power x plus 5, ये गिवन है। ओके, तो इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे सुनिए, पहले तो वेरिएबल सेट करो, dy by लेके जाऊं तो माइनस में आ जाएगा e raised to power minus by dy is equal to e raised to power x dx। क्लियर स्टूडेंट्स,
taking integration both sides, e raised to power minus y dy is equal to e raised to power x dx. Clear? e raised to power minus y का integration क्या होगा? e raised to power minus y upon में minus 1 is equal to e raised to power x plus c. यह आपकी equation. Clear? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि इसमें c की वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं, c की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको माइनस को ऊपर लेंगे या इनको एक ही साइड लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यहां से हमने दिया माइनस का e रेज टू पावर माइनस y माइनस का e रेज टू पावर x इज इक्वल टू c. अब चाहे तो दोनों में से माइनस को मान लेके उस साइड लेंगे, e रेज टू पावर माइनस y प्लस e रेज टू पावर x इज इक्वल टू माइनस c, और c is any arbitrary constant, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू क्या है, c. ये क्या गया है, जनरल इक्वेशन. ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई.